So dear students, I welcome you all. Today we shall solve this very important question. Question rotation का है. Question मैं पढ़ रहा हूँ. One ice skater of mass m moves with velocity 2v to the right, while another of the same mass m moves with velocity f towards the left, as shown in figure 1. Their paths are separated by a distance b. At t is equal to 0, when they are both at x is equal to 0, they grasp a pole of length b and negligible mass for t is greater than 0. Consider the system as a rigid body of the two masses m separated by a distance b as shown in figure 2. Which of the following is the correct formula for the motion after t is equal to 0 of the skater initially at y is equal to b by 2? Question samjha raha hun, dhyan se samjhiye. Figure kya hai? Figure bachcho ye hai कि एक रॉड है और रॉड की लंबाई कितनी है, b है. ठीक है, रॉड के ऊपर वाले एंड पर उसकी तरफ एक मास m आ रहा है 2v वेलोसिटी से. क्या बात क्लियर है? और एक मास, इक्वल मास m इधर की तरफ आ रहा है, रॉड की तरफ, यानी लेफ्ट की तरफ आ रहा है v वेलोसिटी से. और किसी पर्टिकुलर टाइम पर दोनों ही रॉड के पास पहुंचते हैं और रॉड को पकड़ लेते हैं. बात समझ में? और रॉड को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं. दे ग्रैस्प द रॉड. बात क्लियर है? जिस टाइम ये पकड़ते हैं उसके बाद ये जो ऊपर वाला मास है, जो कि बेसिकली सेंटर से b by 2 की दूरी पर है, यानी ऊपर की तरफ है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है. इसकी वेलोसिटी नहीं बल्कि इसकी कॉर्डिनेट्स निकालने हैं, एक्स और वाई. बात समझ में? इसका मोशन निकालना है. मोशन निकालने का मतलब क्या होता है? इसके कॉर्डिनेट निकालने हैं. तो आप इसका ये सेंटर है. क्या मेरी बात समझ में आती है? अब होगा क्या, यहां पर जब इसको ये पकड़ लेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी यहां पर क्या होगी, इस डायरेक्शन में 2v होगी, और जब इसको ये पकड़ लेगा तो इनिशियल वेलोसिटी यहां पर क्या होगी, v होगी. क्या बात क्लियर है? सेंटर ऑफ मास अभी भी सेंटर पे ही रहेगा. क्यों? क्योंकि ऊपर भी m है, नीचे भी m है, यहां पर भी m और यहां पर भी m. तो ध्यान से समझ लीजिए, m r क्रॉस v लग रहा है, यानी कि टॉर्क है. क्या बात क्लियर है? बात से ओके. इनिशियली कोई टॉर्क नहीं थी, अब टॉर्क इसके ऊपर आ गई है. तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक लीनियर मोशन भी होगा और एक एंगुलर मोशन भी होगा. तो मोशन कौन सा वाला होगा ये बच्चों? ये होगा सी टी ए आर. सी टी ए आर मतलब कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन. क्या बात समझ में? सी टी ए आर मोशन के अंदर ये हो जाएगा. जब ये सी टी आर मोशन करेगा तो ध्यान से समझिए, ऊपर की लेंथ कितनी है बच्चों यहां पर, बी बाई टू, नीचे की लेंथ कितनी है, बी बाई टू. क्या बात क्लियर है? हम ये मानेंगे कि ये पूरी रॉड वी सी एम से आगे चल रही है. हर पॉइंट इसका वी सी एम से आगे चल रहा है. ये वाला पॉइंट भी वी सी एम से आगे चल रहा है. ये वाला पॉइंट भी किससे चल रहा है, वी सी एम से आगे चल रहा है. इसको याद रखिएगा. पूरी की पूरी रॉड अब एक मास बन चुकी है, जिसका मास अब है 2m. रॉड का अपना कोई मास नहीं है. तो अब मास किसका है? सिर्फ इन स्केटर्स का है जिन्होंने इस रॉड को पकड़ लिया. तो ये पूरा का पूरा VCM से आगे की तरफ चल रहा है. एट द सेम टाइम, क्योंकि दो अलग अलग एंड पर मोमेंटम कंजर्व हुआ है, तो इसकी वजह से इसके अंदर एक रोटेशन आएगा, जो कि बेसिकली इधर की तरफ इसको रोटेट कराएगा ओमेगा से. ना सिर्फ इधर की तरफ कराएगा बल्कि ये वाला मास इधर की तरफ रोटेट कराएगा. तो सी टी आर में बेसिकली दो चीजें क्या क्या हो गई, एक तो VCM हो गया और एक क्या हो गया आपका, ओमेगा. अगर हम फिगर को रीड्रॉ करें तो आपको फिगर कैसे नजर आने लगेगी, देखिए ध्यान से. ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस. थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, थोड़ी देर के बाद रॉड जो बेसिकली पहले यहां पर थी, इस जगह पर थी, अब वो रॉड कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी. क्या बात क्लियर है? थोड़ी सी आगे भी बढ़ गई होगी, थोड़ी सी घूम भी गई होगी. बात समझ में? अब वो एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, हमें यहां पर इसकी क्या निकालनी है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालने. तो ध्यान से समझिए, ये फॉर एग्जांपल इसने थीटा कवर कर लिया, आगे की तरफ किस वेलोसिटी से जा रहा है, ये VCM. ये मास भी इधर की तरफ ही मानेंगे हम VCM. क्या बात समझ में? इधर की तरफ जा रहा है और सेंटर ऑफ मास भी बेसिकली किधर जा रहा है, VCM. VCM वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास लीनियर वेलोसिटी है. एट द सेम टाइम इट इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. क्या बात क्लियर है? तो हमको बेसिकली क्या निकालना है बच्चों, जो हमसे कहा गया है वो ये निकालना है कि ये वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर आ गया और एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर आ गया. तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस निकालना है ऊपर वाले मास के लिए.
क्या बात क्लियर है? तो सिर्फ दो तरीकों से हो जाएगा ये। सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करवा देते हैं, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करवाने के लिए हम क्या लिखेंगे, पी आई इज इक्वल टू पी एफ। क्या बात क्लियर है? पी आई इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। इनिशियल लीनियर मोमेंटम तो सिर्फ इन दो मासेस के पास था। क्या बात समझ में आई? इसके पास कितना था, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है, एम, वेलोसिटी कितनी है, टू वी प्लस। इसके पास कितना था, राइट हैंड साइड में, तो हमने ये पॉजिटिव लिखा। अब देखिए फिर इसके पास कितना है, मास इंटू वेलोसिटी वी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो होगा मास माइनस एम इंटू वी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। कौन सा है इसके पास, फाइनल मोमेंटम कितना है? फाइनल मोमेंटम में ये m और ये m, 2m हो चुके हैं, और vcm से किधर की तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, मास जो कि बेसिकली 2m है एंड vcm। क्या बात क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो आप देखेंगे यहां से m कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर बेसिकली v बचेगा, m कैंसिल आउट हो जाएगा, vcm की वैल्यू हम आराम से निकाल लेंगे एंड इट इज इक्वल टू वी बाई टू। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकाल लिया है हमने ये। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वी बाई टू, और वी कौन सी वेलोसिटी है, वी ये नीचे वाले मास की, ऊपर वाले मास की टू वी थी। क्या बात क्लियर है? ओके, तो इन टर्म्स ऑफ वी एक हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुका। अब क्या करेंगे, हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करवा देंगे, एल आई इज इक्वल टू एल एफ। क्या बात क्लियर है? एल आई इज इक्वल टू एल एफ। देखिए लीनियर मोमेंटम के दो फार्मूले होते हैं, याद रखिएगा, दो फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला क्या होता है मोमेंटम का, एम आर क्रॉस वी। अगर कोई पार्टिकल सीधी लाइन में चल रहा है और किसी पॉइंट के अबाउट, उसका क्या देखना है हमको, लीनियर मोमेंटम देखना। जैसे ये पॉइंट चल रहा है इस डायरेक्शन में और इसके अबाउट देखना है हमें, तो हम क्या लिखेंगे, इसका मास लिखेंगे, आर क्या लिखेंगे, आर बेसिकली ये होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख देंगे क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये हम आर लिख देंगे और इसकी वेलोसिटी लिख देंगे। तो वेलोसिटी और आर मस्ट बी परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पर होंगे, तो अब साइन लगाने की जरूरत नहीं है, तो एम आर वी ऐसे लिखेंगे। लीनियर मोमेंटम का एक दूसरा फार्मूला भी होता है, दूसरा फार्मूला क्या होता है बच्चों, लीनियर मोमेंटम का एक दूसरा फार्मूला होता है आई ओमेगा। ये कब लिखते हैं, जब कोई पार्टिकल घूम रहा है किसी पॉइंट के अबाउट, घूम तो यहां पर, यहां भी रहा है लेकिन यहां पर सीधा चल रहा है, लेकिन वहां पर सीधा चल ही ना रहा हो। फॉर एग्जाम्पल एक पार्टिकल इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, एम मास का पार्टिकल इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, इस पॉइंट के अबाउट, यहां से इसकी दूरी है आर। क्या बात समझ में आई? तो यहां पर लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आई इंटू ओमेगा। व्हाट इज आई, आई इज द, आई क्या चीज है, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई किसके बराबर हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर और ओमेगा। क्या बात क्लियर? तो दो तरीके से एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, दोनों तरीके से हम यहां पर लिखने वाले हैं। शुरू में पार्टिकल सीधे चल रहे हैं तो हम कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे, एम आर वी वाला लगाएंगे, और पार्टिकल ने जब रॉड को पकड़ लिया तो क्या करने लगे, घूमने भी लगे, तो हम कौन सा वाला लगाएंगे, आई ओमेगा वाला फार्मूला लगाएंगे। बात समझ में? तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम इसके पास कितना था, इसके पास एम आर वी, एम तो इसका मास है, आर कितना है, वी बाई टू, वेलोसिटी कितनी है, 2v प्लस। ध्यान से देखिए m, m तो अपनी जगह है, r और v, ओके, v इस डायरेक्शन में, r इस डायरेक्शन में, v इस डायरेक्शन में, तो क्या है लीनियर मोमेंटम, किधर है, अंदर की तरफ। बात समझ में, किधर है, अंदर की तरफ। अब इस वाले पार्टिकल का देखते हैं, ये वाला जो पार्टिकल है, इसके लिए r कैसे है, नीचे, और v इधर, लीनियर मोमेंटम इसका भी अंदर की तरफ है, तो दोनों ही पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में रॉड को रोटेट कराने की कोशिश करेंगे, hence इसका लीनियर मोमेंटम भी, इसका एंगुलर मोमेंट, सॉरी ये एंगुलर मोमेंटम है, मेरे मुंह से कहीं लीनियर मोमेंटम निकला हो तो उसको भूल जाएगा, लीनियर एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं, इसका एंगुलर मोमेंटम भी पॉजिटिव ही होगा। क्या होगा, एम बी बाई टू एम आर वी, इसका वेलोसिटी कितनी है, वी, एंड इट इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई होप कि आपके यहां तक समझ में आ गया होगा। ओके, ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे एम, अब ये मिटा दूं, है ना, दोनों के डायरेक्शन सेम है, अब हम इसको लिख सकते हैं एम बी वी, एम बी वी, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये तो वन है, ये वन बाई टू, तो थ्री बाई टू इज इक्वल टू आई, किसके बराबर हो जाएगा, एम आर स्क्वायर,
अब जब रॉड को पकड़ लिया है तो मास कितना है, 2m है, कितना है 2m। देखिए ये वाला फार्मूले से 2m r स्क्वायर, हर मास का डिस्टेंस कितना है सेंटर ऑफ मास से, b बाई टू इसका स्क्वायर n टू एंगुलर वेलोसिटी। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, m से m कटेगा, b के एक b से ये वाला b कट जाएगा, ओके। तो कुल मिला के जो इक्वेशन होगी वो किस तरीके से किया जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू 3v/b। आई होप कि आपके ये समझ में आ रहा है। तो अभी तक हमने क्या क्या निकाला बच्चों, दो चीजें ये निकाली हैं, VCM और ओमेगा। अब इसके बाद बहुत ही आसान है सब कुछ। तो ये पार्टिकल कितना आगे गया है, ये लीनियर वेलोसिटी एज वेल एज एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। लीनियर वेलोसिटी कौन सी है, VCM। तो हम x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे इसके, x कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू VCM टाइम्स टी प्लस, दूसरी बात क्या लिखेंगे, कितना आगे गया, ओमेगा की वजह से भी आगे गया, ये ओमेगा की घूमने की वजह से भी आगे गया, तो हम क्या लिखेंगे, r साइन ओमेगा टी। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। VCM किसके बराबर है बच्चों, अभी हमने क्या निकाला, v/2, ठीक है, 1/2 VT, तो 0.5 आ रहा होगा, बात समझ में आती है। प्लस r किसके बराबर है, b/2, इट इज b/2 साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी निकाली है, 3v/b टाइम्स टी। आई होप कि आपको x एक आंसर दिख गया होगा, ओके ऐसा x, अभी बात करेंगे आंसर के बारे में। y किसके बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, ध्यान से देखिए, y कोऑर्डिनेट मतलब ये वाली हाइट किसके बराबर है बच्चों, क्योंकि y डायरेक्शन में कोई लीनियर मोशन नहीं है, सिर्फ एंगुलर मोशन है। y डायरेक्शन में जो भी चेंजेस आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ एंगुलर मोशन की वजह से आएंगे, ठीक है। तो लीनियर मोशन की वजह से कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो हम यहां पर सिर्फ क्या लिखेंगे, r cos ओमेगा t। देखिए बच्चों ये बात याद रखिएगा, ओमेगा t कहां से लिया है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t, ये बात याद रखिएगा, ओके थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t, r cos ओमेगा t, ठीक है। ओमेगा किसके बराबर है, 3v/b, तो r इज b/v cos 3v/b टाइम्स t। आई होप कि आपके ये समझ में आ रहा होगा कि b की वैल्यू मैंने कैसे निकाली। तो x इज इक्वल टू 0.5 VT, कहां कहां पर दिख रही है, ध्यान से देखिए, आंसर c देखने की कोशिश करिए, आंसर c, x इज इक्वल टू 0.5 VT प्लस 0.5 b टाइम्स साइन 3 VT/b, ओके। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, 0.5 दैट इज 1/2 b एंड cos 3 VT/b, ओके। तो आंसर, करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर इज c। आई होप आपके समझ में आया होगा, थोड़ा सॉल्यूशन लंबा जरूर है, समझाने में लंबा है बच्चों ये, लेकिन करने में तो लंबा नहीं है, अगर आप ढंग से करेंगे तो ये मुश्किल से एक मिनट लगेगा इसको करने में, ओके। आई होप कि आपके समझ में आ गया, थैंक यू वेरी मच।